Myself Suhail, back with another video, and this time I am going to show you Indian train traveler gameplay. Solpur se vaaniyambadi vaaniyambadi sorry ye tamil likh ke mujhe samajh mein nahi aata station acha as kisi ko bhi samajh mein nahi aayenge and main Uttar Pradesh mein rehta hu. और आप रमेश महाजन जी से प्लीज ये मत पूछें कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में आगे क्या आने वाला है, कौन सा रूट आएगा. प्लीज इसके बारे में बिल्कुल ना पूछें, एज वो रूट राइटर हैं, वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते. आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बट प्लीज उनसे मत पूछिए. चलिए टिकट काउंटर पे चलते हैं और हमें जाना है वाणियंबड़ी. जाना है तो पहले बेंगलोर जाएंगे, ऐसे फिर आगे का रूट भी लोड होता है. और जब से रिलीज हुआ है मैं इसकी वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि इसमें थोड़ी सी पैकेजेस की प्रॉब्लम आ रही थी और इसे थोड़ी सी फाइल्स चाहिए थी, तो वो फाइल्स मैंने इंस्टॉल करने में देर हो गई सॉरी, इसीलिए मैं आपके लिए इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था गाइस. बट अब मैं वापस आ गया हूँ नए वीडियोस के साथ यूट्यूब पर. और आप अपना वॉलेट भी चेक कर सकते हैं, आपको इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इंडियन ट्रेन ट्रैवलर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं, मैं चेक करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके या प्रॉब्लम को मैं हाइब्रो इंटरएक्टिव को ईमेल कर भेज दूंगा. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अब ट्रेन भी चल चुकी है, कोई ट्रेन भी आ गई यार, शायद इसने हमारा वे ब्लॉक कर रखा था. और वेंडर से खाना ले जाता थोड़ा सा. अपनी हंगर के लिए हम ये मारा कू ले देते हैं जिससे भूख पूरी हो जाएगी. अपनी थ्रिस्ट के लिए लेमन जूस परचेज कर लेते हैं. थैंक यू मैडम जी. और भाई साहब जी फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम डोर्स पर चल रहे हैं. ऐसे अगर गाइस आपके पास टिकट नहीं भी है, मैं भी आपके पास टिकट परचेज करने के पैसे भी नहीं हैं, तो भी आप दुखी मत होइए, एज आप गलत ट्रेन में भी बैठ जाइए जिसका आपने टिकट परचेज नहीं करा है, बस पूरी जर्नी में डोर पर लगे रहिए, एज वो टिकट चेकर जी डोर पर नहीं आते और वो आपको पकड़ भी नहीं पाएंगे. लेकिन ज़्यादा देर तक ये सिस्टम चल नहीं पाएगा, एज जब न्यू अपडेट आएगी तो शायद न्यू अपडेट में इसका कोई समाधान निकल जाए, बट मैं तो नहीं चाहता कि इसका समाधान निकले, ये काफ़ी काम का है अगर रुपीज़ ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन अगर आपको अंदर की जर्नी करनी है तो ऑब्वियसली आपको मतलब टिकट तो परचेज करना ही पड़ेगा. और अब कर्व पर है हमारी ट्रेन, जो टू पर चल रहा है. हमारे लास्ट कोच से थोड़ी सी दूर है, हम कौन सा स्टेशन है, अनंतपुर. ओके एंड वी रीच्ड अनंतपुर विद विवेक एक्सप्रेस. मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ा खाना पीना ले लें, ऐसे जल्दी लेना पड़ेगा, इस ट्रेन ने निकल जाए. मुझसे कई बार ऐसा हुआ है कि ये ट्रेन जो है वो निकल गई और हम पीछे रह गए. और ट्रेन भी आ गई, इसके लिए अंदर चलते हैं.
और सिग्नल स्टॉप है यहाँ पर। अगर मेरे पास वॉलेट में टिकट तो है ही, इस टिकट से अगर हमें पकड़ नहीं सकते, चलो ब्लेडर करने चलते हैं, काफ़ी ज़ोर से लगी है, ठंड काफ़ी हो रही है आज भी, ठंड तो नहीं हो रही, अब गर्मी हो रही है, लेकिन ऐसे मैंने अपना एसी चला रखा है, लेकिन अगर ना चलाऊँ तो गर्मी लगती है, चलाऊँ तो ठंड लगती है, ऐसे मौसम ही ऐसा है। और आप अगर आप किसी स्टेशन पर हो तो मतलब अरे मुझे छींक आ गई सॉरी, अगर आप किसी स्टेशन पर हो और आपको आपको कुछ बाय कर रहा हूँ तो आप वेंडर से ले सकते हैं, एस वेंडर सुविधा पूरी कर देते हैं, एस हर ट्रेन में ऐसा सिस्टम होता है, और कोई ट्रेन भी गई थी अभी, चलो डोर्स पर चलते हैं, थैंक यू वेंडर जी। मुझे पिक्चर में वेंडर का चेहरा तो दिखाया नहीं गया है, और ये क्या, मैंने तो देखा ही नहीं। हम अपने अब फर्स्ट कोच में आ गए हैं जो इंजन के बिल्कुल पास लगा है, ऐसे सबसे पहले तो लगेज कोच होता है, उसके पीछे जो पैसेंजर कोच होता है हम उसमें ही बैठे हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं इंडियन ट्रैवलर की ही वीडियोस बनाऊं या आगे और भी वीडियोस बनाऊं, मींस मेरे कहने का कि इंडियन ट्रैवलर की बनाऊं, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं इंडियन ट्रैवलर की ही बनाता रहूं या फिर इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की बनाऊं, एज वो तो मैं बनाता ही हूं, अगर आपको अच्छी लगा इंडियन ट्रेन ट्रैवलर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बता सकते हैं कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का गेम प्ले देखना है हमें। और अब हम बेंगलोर सिटी पहुंच गए, ऐसे यहाँ पर हमारा स्टॉप है, तो हमें रिट्रेन होना ही पड़ेगा, और अगर मैं अराकोनम का टिकट परचेज कर लेता गाइस, स्क्रीन में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं अराकोनम का टिकट परचेज कर लेता तो अराकोनम नहीं जा पाता, एज बेंगलोर पर इसका स्टॉप था, और अराकोनम का परचेज करता तो यहाँ से ये जैसे प्लीज वेट लिखा रहा है ऐसे ही प्लीज वेट लिखा था, और जब ये हमें वापस बेंगलुरु सिटी छोड़ दे तो मतलब जब हम वहाँ बेंगलुरु सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी विवेक एक्सप्रेस ना दिखती, एज आप जहाँ से दूसरा लोड सॉरी जहाँ पर दूसरा रूट लोडिंग होगा आप वहाँ पर वहाँ तक ही टिकट परचेज करें, एज उसके आगे वाला रूट वहाँ से लोड होता है, फिर आप वहाँ से कोई सी ट्रेन ले सकते हैं, जैसे कि मैं लगभग का परचेज कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही निकल ली। और ये जो वॉलेट में कभी कभी राजधानी एक्सप्रेस लिखा हुआ था ये बेकार होता है, असल में ये वैसे ही लिखा हुआ था, इसमें राजधानी की कोई चीज़ है ही नहीं, और न ही कोई राजधानी एक्सप्रेस है। ट्रेन आने में भी देर लगेगी, ऐसा आप वेट कर सकते हैं, और भाई साहब जी फोन चला, और ये क्या, इनके हाथ फोन के अंदर से निकल रहे हैं, इन्हें देखने से लग नहीं रहा ये फोन चला रहे होंगे। चलिए ट्रेन भी आ चुकी है, ये जम्मू तभी तो चिन्नी जा रही है तो हमारे किसी काम की नहीं, और हमें तो वाणियांबादी जाना है, वडोदरा भी अनंतपुर जा रही है, वृंदावन भी अनंतपुर जा रही है, एज जम्मू तभी काम की थी, लेकिन उसका स्टॉप नहीं है वाणियांबादी और अराकोनम स्टेशन पर, एज अराकोनम तो हमारे काम का नहीं है,
हमें तो वाणियांबाड़ी जाना है, तो वाणियांबाड़ी जो भी हो खैर, तो वृंदावन भी आ गई, चलिए वृंदावन चेक करते हैं। और वृंदावन भी किसी काम के नहीं, ये और अब वडोदरा भी आ गई, चलिए वडोदरा चेक करते हैं, किसी काम की नहीं है तीनों ही ट्रेन, हमारे काम नहीं आएंगी, बट टाइम भी ख़त्म होने वाला है। ऐसा मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फेल हो जाएं, या और कोई और ट्रेन आ गई, जम्मू तक भी तो किसी काम की नहीं, सूर्य नगरी हमें छोड़ देगी, परचेज सूर्य नगरी तो अभी काफ़ी दूर है, और हमारी थ्रेस्ट भी और हंगर भी काफ़ी है, तो थ्रेस्ट तो हम मिटा लेंगे, हम स्टेशन पर हैं। और ये क्या पैसे ही ख़त्म हो गए, चलिए एड वॉच कर लेते हैं। और अगर आपके पास कैश ना हो तो आप इंस्टेंटली एड वॉच कर ले सकते हैं कैश, वॉच एड पर क्लिक कर। ऐसा अगर मेरे पास भी मनी ख़त्म हो जाती है तो मैं एड वॉच कर पैसे ले लेता हूँ। और ये कोई लॉर्ड मोबाइल गेम है, बट मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा जी, ऐसा हमारा तो ट्रेन ट्रैवलरी बहुत अच्छा गेम है। और अब हमारी अंगर भी चली गई और सूर्य नगरी भी आने वाली है, बस अब जल्दी से वो आ जाए तो हम अपनी ज़रा सी ब्लेडर मिटा लेंगे। ऐसा अगर ब्लेडर भी ज़्यादा लग जाती है तो मतलब मुश्किल ही हो जाती है गाइस। मुंबई मेल तो अभी अराइव नहीं कर रही, एज वो अभी स्टेशन से निकली होगी, जिधर भी होगी, बट हमारी ट्रेन पता नहीं कब आएगी। एज हमें काफ़ी ज़ोर की ब्लेडर लगी है, मुझे तो नहीं लगी बट जो ट्रैवलर है उसे काफ़ी ज़ोर से लगी है। और वृंदावन भी आ गई वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जिसे वेब 5 का इंजन मिला है विद कोचिंग। एंड सूर्य नगरी इज मच अवे फ्रॉम बेंगलोर स्टेशन एंड मच अवेटेड ट्रेन, और काफ़ी ट्रेन आ भी गई, लगभग हमने चेक ही नहीं करी, लगभग काफ़ी देर ना आएगी, भले ही लगभग ना आना है क्योंकि इसको किसी ने ओवरटेक कर दिया होगा ज़रूर। और मुंबई मेल भी काफ़ी दूर है, उनको ट्रेन आई है बट मैं देख नहीं पाया। वडोदरा एक्सप्रेस है विद वेब 7 और कोचीज गतिमान के मिले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। अगर आप इस जगह पर रहेंगे जिस जगह पर खड़ा हूँ तो आपको ट्रेन की सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। और ये क्या टाइम भी ख़त्म होने वाला है, शायद एड वॉच करने को मिल जाए, एस पी बच जाएंगे। और हमारे ट्रेन शायद किसी सूर्य नगरी, चलिए बैठते हैं, एज अब टाइम बच गया, चलिए रिट्रेन करना चलते हैं। तो रिट्रेन काम है ना ब्लेडर करना चलते हैं। Thank you.
पता नहीं किसने हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर दिया। चलो डोर्स पर चल के देखते हैं। नेक्स्ट स्टेशन वाणियंबादी, जो भी हो तमिल का स्टेशन है, एज से स्पीक नहीं करा जाएगा। और पिछली बार मैंने एक वीडियो में अपना आराकोनम स्टेशन को आक्रोमन स्टेशन कह दिया था, सॉरी वो असल में आराकोनम था। एज गलती हो जाती है तमिल को स्टेशन, तमिल के जो स्टेशन होता है उन्हें स्पीक करने में। यहाँ किसी राजधानी के बारे में अनाउंसिंग हो रही है, बट यहाँ तो कोई भी राजधानी नहीं खड़ी है और नहीं आई है। और जैसे कि हम देखते हैं तो टिकट चेक में कोई ट्रेन भी नहीं थी राजधानी नाम की। मुझे लगता है शायद तो बेंगलोर राजधानी की हो रही होगी। एज सीनरी काफ़ी डेंजर लगाई हुई है ऐसी। एंड द क्रेडिट फॉर दिस कोच इंजन ऑफ झांसी WD3 एंड वेब 5 एंड दिस रूट ऑल्सो गोज टू रमेश महाजन जी, एज ही उन्हीं का ही रूट और जो भी हैं सब उन्हीं का ही बनाया हुआ है। और उनके कुछ पार्टनर्स हैं, आप इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में क्रेडिट में जाकर देख सकते हैं उनके पार्टनर्स के नेम, एज वो अपना नाम नहीं डलवाते। पर उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है इस गेम में। और थ्रस्ट और हंगर भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, पर हमारी ट्रेन निकलने का नाम ही नहीं लेती। जाने किसने ओवरटेक कर दिया, मुझे लगता है शायद वृंदावन ने ओवरटेक करा है। आज तो सभी के पास जियो 4G है, मैंने भी जियो 4G ले रखा है, एज वो काफ़ी अच्छा है। और आखिर में हमारी ट्रेन यहाँ से लीव करने का नाम तो दिया, पता नहीं वेब 7 वो टिकट चेक कर दिया हुआ है। चलिए हम उनको अपना टिकट दिखा देते हैं। कहाँ गए दिख तो नहीं रहे, चाहिए रहे। हमारे से तो टिकट के बारे में पूछता ही नहीं इन्होंने। ओके, और ये ट्रैक कब ख़त्म हो जाएगी, ऐसा आपने देखा ख़त्म हो गई, ऐसे इधर लास्ट ट्रैक चलिए। और ये क्या टाइम भी ख़त्म। और अब कंटिन्यू करते हैं एड्स देखकर, आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस एक ऐड पर क्लिक करें और देखें। और हमें 191 सेकंड मिल गए, चलिए अच्छा हुआ।
और ये कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है गेम। चलो डोज पर चलते हैं। काफी ज्यादा लाइन है और हम किसी कर्व पर हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट टेक भी नहीं आता, बस जब से गेम आई है इसमें एक भी ग्रेडियंट नहीं दिखाया गया है। ऐसा अगर ग्रेडियंट आ जाए तो काफ़ी मज़ा है। और हमने किसी वेफ और विद सम एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक भी करा है। यार हमारी ट्रेन तो बड़ी फेमस है, आगे ले जाकर ट्रेन को ओवरटेक कर दिया। और ये क्या है, स्टेशन आने वाला, उसने देर में ब्रेक मारा। लोको पायलट जी तो पूरा घुमा लेता है ट्रेन को। सिग्नल स्टेटस रेड हो रखा है तो ऑब्वियसली कोई ट्रेन नहीं आ रही। चलिए हम पहुंच गए, चलिए रिट्रेन करते हैं। इस वहां पर सामने वो ढाबा होता है कुछ नहीं, वो हमारा स्कोर आया है 7576। चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और देखते रहे मेरी वीडियोस। बाय बाय और टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।